रांची के बूटी स्थित MDLM हॉस्पिटल में आज साप्ताहिक निशुल्क पोस्ट कोविड रिहैब चिकित्सा शिविर का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। बन्ना गुप्ता ने इस शिविर की प्रशंसा की और इस शिविर की सफलता में लगे चिकित्सकों के कार्यों की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि ये चिकित्सा शिविर 20 से 26 अगस्त तक MDLM अस्पताल में चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री और अस्पताल संचालक डॉक्टर अमिताभ कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे फायदा होगा, चूंकि देखिए आपको याद होगा कि जब फर्स्ट फेज भी आया था, सेकेंड फेज भी आया था, उसमें हम लोगों ने जितने निजी संस्थान हैं उनकी भी सहभागिता थी और हमारे जितने सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भी सहभागिता थी। तो बिना एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी जब आपदा विपदा आती है तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करना चाहिए और हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस हॉस्पिटल को कि पोस्ट कोविड में जो तकलीफ़ें लोगों को कुछ कुछ सामने आ रही हैं, जैसे ब्लैक फंगस है या कुछ लोगों के हाथ कांप रहे हैं, कुछ लोगों के दांत में दर्द हो रहा है, कुछ के घुटना वगैरह में भी दर्द की शिकायतें हैं, तो वैसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ सहयोगी साथी के रूप में काम करेंगे, ये ज़्यादा हितकर होगा। कोविड की मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और पोस्ट कोविड के रिलेटेड जो दुष्परिणाम चिकित्सा के दौरान या चिकित्सा के समाप्ति के बाद घर जाने के बाद उनको बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और बराबर वो, क्योंकि हमारा अस्पताल पहले से भी कोविड के मरीजों की सेवा किया है और उसी दौरान उनके जाने के बाद वो लोग फॉलोअप में जो आए उसमें उनकी तकलीफ़ों को जानने के बाद हमने निर्णय लिया कि पोस्ट कोविड रिहैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फिर से उनको वो सारी लक्षणें या उस तरह की तकलीफ़ें होने के लिए जो भी सिम्टम्स हैं वो दिखने लगे और शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, मानसिक रूप से कमज़ोर थे और वो बराबर आते थे तो उनको काउंसलिंग करके भेजा जाता था या फिर कुछ उनको एडवाइस रहता था उसके लिए भेजा जाता था। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, अस्पताल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम एक पोस्ट कोविड रिहैब कैंप का आयोजन करें और उससे उन लोगों की सेवा करें जो हमारे यहाँ एडमिट थे, जो यहाँ से चिकित्सा प्राप्त करके गए हैं या फिर जो हमारे आसपास में वैसे मरीज हैं जो हमारे यहाँ नहीं किसी दूसरे जगह। कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि इस शिविर से उन लोगों को फायदा पहुँचेगा। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।